हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो बुक है हमारी, वो है व्यावसायिक सांख्यिकी। बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के लिए हमको बहुत अच्छे से समझाना है और इतने अच्छे से ये आपको हमारे चैनल पर मिलेगा कि आपने अगर बुक को पहले देखा होगा तो बहुत टफ लग रही होगी। और ये वो सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी अगर स्टूडेंट के लिए पढ़ने की स्टार्टिंग होती है तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि कई बार एक ही चैप्टर को रट रट के पढ़ पढ़ के अगर वो देखता है तब भी सांख्यिकी की थ्योरी जल्दी से तैयार नहीं होती है और इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो तब भी थोड़े से इजी होते हैं। तो यहां पर हमारे चैनल पे पूरी आपके लिए थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल इतने इजी लगेंगे कि आपने सोचा ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। आज का जो हमारा पहला जो वीडियो है वो हम इस बात पर लेकर के आए हैं कि हम सांख्यिकी को पढ़ेंगे तो सांख्यिकी का मतलब क्या है और सांख्यिकी का अर्थ क्या है। और सबसे ज्यादा बच्चों से गलती होती है जब ये प्रश्न आता है पेपर में तो जरूर ध्यान से देख लेना कि वो व्यावसायिक सांख्यिकी का अर्थ पूछ रहा है या केवल सांख्यिकी का अर्थ पूछ रहा है। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ओके। ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा तो इसकी बहुत सरल है, छोटी छोटी परिभाषाएं आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन सांख्यिकी का अर्थ समझाने से पहले अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लेंगे, हिस्ट्री अगर समझ लेंगे, ओके, तो और अच्छा रहेगा। ठीक, इसका क्या इतिहास है, कैसे इसका जन्म हुआ था। देखो, जो सांख्यिकी है ये बहुत पुराने समय से है, प्राचीन समय से सांख्यिकी का प्रयोग हुआ हो रहा है। और सांख्यिकी को पुराने समय में जो राजा लोग थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। और राजा लोग किस तरह से सांख्यिकी का इस्तेमाल करते थे कि कितना बड़ा उनका राज्य है, कितनी उनकी प्रजा रह रही है और प्रजा के भरण पोषण के लिए कितने वहां पर अनाज की जरूरत है, कितने संसाधनों की जरूरत है, कितने उन पर उनके रखवाली करने के लिए और उनको सुकून पूर्वक जीवन जीने के लिए सैनिकों की आवश्यकता है, सैनिकों को कितना वेतन भत्ता इत्यादि देना है। तो इसमें कितने कितने जो शब्द कई बार यूज हुआ था, इसमें क्या होता था, कितने का जो शब्द है वो संख्या से दिया जाता है, ओके। तो यहीं पर सांख्यिकी का जन्म हो चुका था, यानी जहां कितने शब्द का यूज हुआ तो वहीं पर प्रयोग हुआ किसका, हुआ संख्या का। और संख्या का अनुमान के आधार पर, एग्जैक्ट नहीं, किसके अनुमान के आधार पर, आधार पर क्या प्रयोग, क्या कहलाया, सांख्यिकी कहलाया। तो सांख्यिकी कुछ और नहीं है, सांख्यिकी प्राचीन समय से ही एक ऐसा विषय है जो किसी भी घटना को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को एक अनुमान के आधार पर संख्या में व्यक्त कर दे। यही चीज हमारी क्या थी, सांख्यिकी की थी, जो आज भी कार्यरत है, आज भी हमारे बीच में है। और सांख्यिकी को समझना बहुत सरल है, बस इसको समझाने वाला और समझने वाला दोनों को एक माइंड ओपन करके बैठना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि दुनिया में इससे ज्यादा कठिन कोई विषय नहीं है और इससे ज्यादा सरल भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको बहुत सरल बनाएंगे और समझाएंगे आपके लिए। उम्मीद है कि थोड़ा सा इतिहास आपने सुन लिया होगा। इसी इतिहास के कारण सांख्यिकी की एक अपनी विशेषता है कि यह राजाओं का विज्ञान है, यानी राजा महाराजा लोग इसका प्रयोग करते थे। सामान्य जनता को क्या लेना देना, उसको क्या है, सुबह उठ गए, अपना काम किया, खाना पीने के लिए इंतजाम किया और पूरे दिन काम करने के बाद में सबसे लास्ट में खाया पिया, फिर से सो गए और फिर अगले दिन उठ गए। लेकिन यहां पर राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनको भविष्य की चिंता थी, भविष्य में क्या करना है इसके लिए उन्हें प्लानिंग बनानी थी। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है सांख्यिकी, राजाओं का भी विज्ञान कहा जाता था, ओके। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी की, क्या होती है व्यावसायिक सांख्यिकी। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा और, अगर हम भारत की बात करेंगे कि सांख्यिकी का प्रयोग किस तरह से हुआ, तो मैं आपको बताऊं, मोस्टली सांख्यिकी का जो डेवलपमेंट है हमारा देश आजाद होने के बाद, जब यहाँ के संसाधनों को उचित रूप से हमने विदोहन करना शुरू किया, हमने का मतलब है हमारे देश के रहने वाले लोगों ने जब उनका प्रयोग करना शुरू किया, तो उनका प्रयोग जब शुरू हुआ तो उसको एक रिटन वे में लाना पड़ा और उसके संबंध में आंकड़े जुटाने पड़े। तो वहीं से सांख्यिकी की जो शुरुआत है या सांख्यिकी
प्रौद्योगिकी का जो अच्छे से विकास है वो देश के आजाद होने के बाद से मिला। और यहां पर मैं बात करूंगा कि जनक की, भाई सांख्यिकी के जो भारत में जनक है वो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये शब्द याद रखेंगे, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और जो इनका जन्म था वो 29 जून के लिए यानी 1893 को कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में, इतनी बात याद रखेंगे। यानी प्रशांत जो सांख्यिकी के जनक है भारत में वो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, और इनका जो जन्म है 29 जून 1893 कोलकाता में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो भी हम आपको बताएं 28 जून 1972 में हुई थी। ये दो डेटे बहुत मुख्य रूप से याद करेंगे, सब याद हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा डेटे मैं याद नहीं कराता हूँ, कुछ मुख्य मुख्य है उनको याद कर लीजिएगा। और 29 जून को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? सांख्यिकी। तो अब उम्मीद है कि मेन मेन बातें आपके लिए तैयार हो चुकी है। कौन कौन सी बातें तैयार हो चुकी है? अगर इतिहास की बात करेंगे तो पुराने समय से ही राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे। भारत में अगर हम बात करेंगे तो इसका डेवलपमेंट स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ, और इसके जो जनक हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, और इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ है 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ, और 29 जून को जन्म हुआ, और 28 जून 1972 को इनका निधन हो गया, और 29 जून से को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और सांख्यिकी है क्या? संख्या का प्रयोग है अनुमान के आधार पर, और कुछ नहीं है। इतना जिसने समझ लिया, समझ लो कि सांख्यिकी का एक बड़ा पार्ट उसका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझाते हैं आगे अपने सिस्टम से किस तरह से हमें सांख्यिकी को समझना है और तैयार करना है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी का अर्थ। थोड़ी देर को परिभाषा भी हटा देते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी का अर्थ जहां पर लिखने के लिए आएगा वहां पर इस तरह से लिखोगे कि व्यावसायिक सांख्यिकी दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक ओके और सांख्यिकी। किस शब्दों से मिलकर के बना है? व्यावसायिक और सांख्यिकी। ठीक है, व्यावसायिक का मतलब क्या है? व्यावसायिक का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से कोई ना कोई क्रिया करता है, वो सारी की सारी क्रियाएं उसकी क्या कहलाती है? व्यावसायिक कहलाती है। लेकिन वो क्रियाएं मानवीय हित में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा, भारत में रहने वाले किसी भी मनुष्य के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं उसके द्वारा की जा रही है वो सभी उसकी क्या कहलाती है? व्यावसायिक क्रिया कहलाती है। अब सांख्यिकी क्या है? इन्हीं क्रियाओं को करने के लिए, क्या इन्हीं क्रियाओं को करने के लिए, या जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, जितने भी लेन देन होंगे, उन सबको अनुमान के आधार पे किसमें? संख्या में व्यक्त करना। किसमें? संख्या में व्यक्त करना क्या कहलाता है? व्यावसायिक सांख्यिकी कहलाता है। तो व्यावसायिक सांख्यिकी कुछ और नहीं है, वो घटनाएं, वो लेन देन, वो क्रय विक्रय, या वो समस्त प्रकार के व्यापार से संबंधित अनुमान और तकनीकियां जिनको अच्छे से व्यवसाय चलाने के लिए हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, वही चीजें हमारी व्यावसायिक सांख्यिकी कहलाती है। अब इसमें पूर्वानुमान, भविष्य की प्लानिंग, निर्णय, ये सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। तो यही हमारी है व्यावसायिक सांख्यिकी। अब व्यावसायिक सांख्यिकी की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, परिभाषा क्या है? तो परिभाषा के संबंध में मैं बता दूं, देखो परिभाषाओं में सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान, ये डॉक्टर बाउले ने कहा था, रट लो, बहुत छोटी सी परिभाषा है। क्या है? सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, माध्यों का विज्ञान है। ठीक है, और एक परिभाषा और दी थी उन्होंने, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। देखो कितनी इजी है, दोनों इजी हैं, और दोनों दिए हैं डॉक्टर बावले जी ने। अब इन दोनों के लिए इकट्ठा भी करके याद कर सकते हो तो कि सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है, ये एक परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो। अब आपको बताऊं, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता भी है तो आपके लिए क्या करना है, आपके लिए एक ही परिभाषा लिखनी है, थोड़े लगभग में 8 से 10 लाइनों में इसका अर्थ लिखना है और परिभाषा लिखनी है, बस। इसके बाद आपको अगला जो टॉपिक पूछ रहा होगा वो डाल देना। तो सांख्यिकी को अगर आप
किताब से पढ़ोगे, जगह जगह लिखा होगा सांख्यिकी समंख के रूप में, सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा है, बहुवचन के रूप में परिभाषा है, बस सर खराब कर देगा आपका। बस इस तरह से तैयार करो जैसा हम बता रहे हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी किसी भी घटना को, किसी भी तत्व को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी लेन देन को अनुमान के आधार पर संख्याओं में व्यक्त करना क्या है, हमारी सांख्यिकी है। इस तरह से अगर सीखोगे तो तुरंत ये समझ में आ जाएगा। तो पहला वीडियो इतना ही, कैसा लगा जरूर लिखिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए अगला वीडियो अगले टॉपिक के साथ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।